फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी के लेसन 1 जो कि है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीवों में जनन का जो फर्स्ट लेसन है हमारा, उसको हम लोग पढ़ेंगे और देखते हैं कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे टॉपिक्स इसमें पढ़ते हैं हम लोग। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें मेन पॉइंट्स मिलते हैं कि जीवन की उत्पत्ति है जो है वो आज से लगभग 4,042 मिलियन वर्ष पहले हुई है और इसकी जो है उत्पत्ति जो है सर्वप्रथम आदि सागर प्रिमिटिव ओशियन में देखा गया था। और उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि अब तक जो है अनेक किस्मों के जंतुओं और पौधों को हम जानते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्तमान में पृथ्वी पर जीवों की वास्तविक किस्में हैं जो लगभग 3 करोड़ हैं। ये सभी किस्में एक दूसरे से संरचना, स्वभाव और कार्य की यानी कि उसकी जो बनावट ये कैसी है उसमें जो भिन्न है, परंतु जो सभी जीवों में कुछ जो है समानताएं हैं। तो क्या समानताएं हैं वो हम देखते हैं। तो पहला है हमारा जीवों का शरीर कोशिकाओं से निर्मित है। हम सभी जानते हैं कि सभी जीव का शरीर जो है कोशिका से निर्मित है और बहुत सारे जो है कोशिका वो मिलकर बनाते हैं टिशू, और टिशू से मिलकर बनता है हमारा ऑर्गेन और ऑर्गेन मिलकर बनता है ऑर्गेन सिस्टम और इससे जो है जीव का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अभी सब हम जानते हैं कि बिना ऊर्जा का जो है वो कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी जानवर कोई भी जो है जीव वो जीवित नहीं रह सकता। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इनमें वंशागति के लिए अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा वृद्धि का गुण और जनन का गुण। सभी जीव अपने जीवन काल को व्यतीत होने से पहले अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। जानते हैं कि जनन का अर्थ होता है कि अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना, और वृद्धि का गुण जो है सभी जीवों में वृद्धि जो है होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जीवन अवधि लाइफ स्पैन। तो उसकी परिभाषा कि इसमें तो ऐसा दिया हुआ है कि जीव, हाँ यही परिभाषा, किसी जीव के जन्म बर्थ टाइम से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु नेचुरल डेथ तक का जो टाइम होता है समय होता है उस जीव के जीवन अवधि बोले है तो लाइफ स्पैन कहलाता है। और द लेंथ ऑफ टाइम विच एन ऑर्गेनिज्म इज लाइकली टू लिव इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पैन। वह उसके जीवन काल जीव का जो उसके जो है प्राकृतिक मृत्यु तक रहता है उसी को जो हम लाइफ स्पेन कहते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सभी जीवों का जो जीवन काल है वो अलग अलग होता है। इस वीडियो में हम जो है सभी के जीवन काल के बारे में भी देखेंगे। तो कुछ सूक्ष्म जीव जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उनकी जीवन अवधि कुछ मिनट से कुछ घंटे तक ही रहता है, लेकिन कोई जीव 100 वर्ष से हजारों वर्ष तक भी जीवित रह सकते हैं जो आगे हम देखते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है कि मे फ्लाई जो है एक एथी है उसकी जो है जीवन काल 1 दिन होती है, और इसमें जो है सारे सब शरीर जो के जो संपूर्ण क्रियाएं हैं और एक ही दिन में जो पूर्ण हो जाती है। और तितली का जीवन काल देखें 1 से 2 सप्ताह का होता है, और सिकोया की जीवन अवधि 3,000 से 4,000 वर्ष होती है। और हम देखते हैं नेक्स्ट कि जो भारतीय वनस्पति उद्यान हावड़ा कोलकाता है उसमें स्थित भारतीय बरगद का वृक्ष जो है वो लगभग 2 साल पुराना है, 200 साल उसके जो है तक जीवन काल हो गई है। कैलिफोर्निया USA में जो लारिया ट्रेंडेटा है, लारिया वृक्ष है जो सबसे लंबा जीवन अवधि वाला वृक्ष है। इसका जो जीवन काल होता है फ्रेंड्स वो 11,300 साल माना जाता है। और जीवों के जो है आपसे जो जीवन अवधि जो बड़ा जीव है तो उसका जीवन अवधि बड़ा होता होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि जीवों की जीवन अवधि का उनके आकार से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे कौआ और तोता के आकार में अंतर नहीं है, लेकिन कौआ जो है वो 15 साल ही जीता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और तोता जो है उसका जीवन अवधि 40 साल होता है। और जंतु में सबसे ज़्यादा जीवन अवधि जो कछुआ का होता है कितना, तो 200 साल। देखिए जो मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं कि जंतुओं की तुलना में, इस प्रकार हम देखते हैं कि जंतुओं की तुलना में पादपों की जीवन अवधि जो अधिक लंबी होती है, जैसे कि हमने लारिया ट्रेंडेटा वृक्ष का बोला जो 11,300 साल जीता है, और जंतु में सबसे ज़्यादा किसका था, कछुआ का था, 200 साल था। तो जंतु की तुलना में पादपों की जीवन अवधि क्या होता है, अधिक लंबी होता है। नीचे हमारे तालिका में दिया गया है जीवन अवधि क्या होता है, तो हम इसकी चर्चा करते हैं। क्या हुआ है कुछ
कुछ सूक्ष्म जीव कुछ मिनट से कुछ घंटे, मे फ्लाई जिन्होंने पहले बात किया एक दिन ही है, सिकाडा का भी है एक दिन है, कुछ खरपतवार 3 सप्ताह, तितली 1 से 2 सप्ताह, गेहूँ जो 5-6 माह जो हम लोग देखे भी, गेहूँ जो रोपाता है 5-6 माह बाद कट जाता है उसका, वो जीवन का हो गया 5-6 माह। घरेलू मक्खी जो हमारे घर में रहती है सब 6 माह। मूली और चुकंदर, मूली चुकंदर हो गया आपका 1.5 से 2 साल, चूहा 3 साल, मेढक 9 साल, हंस 12 साल, याद करें 3, 9, 12, चूहा मेढक हंस, और इसके साथ कौआ है 3 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, कौआ भी 15 साल। मरमर पक्षी, इसको आप हिंदी में नहीं समझ आएगा तो इंग्लिश देखिए, हमिंग बर्ड वो जी 12 साल जीता है। नेक्स्ट हमारा बंदर, बंदर 26 साल और गाय भी 26 साल, बंदर गाय 26 साल, नाग 28 साल, गाय से 2 साल ज़्यादा, नाग 28 साल, भेड़ 20 साल, घरेलू चिड़िया 20 साल, भेड़ घरेलू चिड़िया दोनों का सेम है। नेक्स्ट है कुत्ता, कुत्ता का आपको कहीं पे 20 से 30 साल मिलेगा, कहीं पे 25 साल, मतलब इसी के रेंज में होता है, और बिल्ली का 35 से 40 साल, हवेल का 37 साल, हाथी का 65 साल, मगरमच्छ का 60 साल, ऊंट का 35 साल, समुद्री अर्चिन का 78 साल, गिद्ध का 90 साल, और हमारा सुअर का है 80 साल, मानव का 100 साल औसतन लेकिन 60 साल होता है, और तोता का हमने बताया 140 साल, एंड बरगद वृक्ष का 300 से 500 साल, कछुआ का 200 साल, सफ़ेद ओक वृक्ष का 500 साल, और एक और है हमारा फल मक्खी, इसका जो इसमें नहीं दिया हुआ था लेकिन इम्पॉर्टेंट है इसलिए हमने लिख दिया, तो इंग्लिश में बताया फ्रूट फ्लाई, इसका जो है 20 से 30 डे जीवन काल होता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि जो जीव का जो जीवन काल का संबंध उनकी आकृति से बिल्कुल नहीं होता है, कि वो तो आकृति बड़ा तो ज़्यादा साल जिएगा, हमने कौआ और उसका तोता का एग्जाम्पल से पता किया। चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं क्या है जीवन अवधि में, तो इधर देखिए और भी जो है जियो का जो है जीवन अवधि, पीपल वृक्ष का होता है 2000 से 4000 साल, सिकोया का 3000 से 4000 साल, और लारिया वृक्ष का 11300 साल। तो एक पॉइंट कवर करने का है कि जियो का जो जीवन अवधि कुछ भी हो, उन जीवन का अंत जो है वो मृत्यु ही है, सभी जीव का डेथ जो है वो निश्चित होता है, लेकिन कोई भी जीव अमर नहीं है, लेकिन कोई अमर होता है, हाँ चल हुआ होगा, लेकिन देखिए सिवाय एक कोशिकीय जीव के कोई भी जीव अमर नहीं, यानी कि एक कोशिकीय जीव जो है वो अमर होते हैं, जैसे हो गया आपका अमीबा और बैक्टीरिया, ये क्या होते हैं अमर होते हैं। सृष्टि के में जन्म और मृत्यु का क्रम नियंत्रण चलता रहता है, इसे सिद्ध हो चुका है कि जीव की उत्पत्ति क्या होता है, जीव से होता है, उसमें प्रजनन की मुख्य भूमिका है, हम लोग प्रजनन जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और भी कुछ इसमें दिया हुआ है इसे हम लोग देख सकते हैं, घोड़ा का जीवन होता है 65 वर्ष, कुत्ता का 25 साल जो हमने बोला था 20 से 30 या 25 हो जाएगा, गाय का दिया हुआ है 26 साल, कौआ 15 साल, गुलाब उधर नहीं था, गुलाब हो गया यहाँ पे 10 साल, कछुआ का 200 साल, तोता 140 साल, तितली 102 सप्ताह, और ये नहीं दिया उधर, केला का 25 साल और बरगद का 200 साल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अगर कुछ आप लोगों को इस वीडियो में कुछ नहीं अगर साफ साफ दिख रहा होगा तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी मतलब पढ़ने के लिए।